मुनिराज होंगे मुरादाबाद रेंज के नए डीआईजी। सलम माथुर को भेजा गया अलीगढ़। देर रात शासन ने 11 आईपीएस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया ट्रांसफर। बिजनौर में बिना लेआउट पास कराए अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। कॉलोनी के अवैध होने के लगवाए गए बोर्ड। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर पहुंचकर आगामी 28 जून को होने वाली प्रदेश अध्यक्ष भूपेन चौधरी की जनसभा स्थल का लिया जायजा। धामपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी में एक शख्स ने गृह कलेश के चलते तमंचे से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। पुलिस ने मौके से 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा किया बरामद। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नूरपुर में व्यापारियों ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका के नाम एक ज्ञापन थाना अध्यक्ष को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ शरारती दुकानदार जिला अधिकारी के आदेशों को पलीता लगाते हुए सोमवार को खोलते हैं दुकान। अमरोहा में नवजात के पिता ने झोला छाप डॉक्टर के यहाँ तैनात स्टाफ पर परिजनों के साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। नवजात के पिता ने पुलिस और सीएमओ से की शिकायत। नवजात बच्ची को देखने आए परिजनों को अंदर नहीं जाने को लेकर हुआ था विवाद। अमरोहा में आवारा कुत्ते बच्चों व बड़ों को बना रहे अपना शिकार। अकेले गजरोला सीएचसी में 25 मरीज आवारा कुत्ते के काटने से घायल होने पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को पकड़वाने की उठाई मांग। कालागढ़ में कार्बेट टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय पक्षी अवलोकन का कार्य हुआ पूरा। पक्षियों के सुंदर संसार को पक्षीविदों ने अपने कैमरे में किया कैद। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता एवं 66वीं स्कूल नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण रजत प्राप्त करने वाले जिला बिजनौर के प्रतिभावान खिलाड़ियों को किया गया सम्मान। मुरादाबाद में पुलिस ने 6 दिन पहले हाईवे पर एक डॉक्टर के साथ हुई लूट सनसनीखेज घटना का किया खुलासा। गैंग का एक सदस्य हुआ फरार। वारदात में डॉक्टर का एक पूर्व कंपाउंडर भी था शामिल। अमरोहा में जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी एवं जिला समाज अधिकारी द्वारा किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र देकर मुख्य धारा में किया गया शामिल। किया जाएगा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में शामिल। संबल के थाना हजरत नगर गढ़ी में गांव बराही में चढ़क के दौरान धूले से छीनी बदमाशों ने चैन व रुपयों की माला। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। धामपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मेडिकल की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखी दवाई व फर्नीचर जलकर हुआ राख। दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। संभल में बदमाशों ने एक पल्लेदार के घर में धावा बोलकर नकदी और जेवर सहित करीब 2 लाख रुपए की लूटी संपत्ति। वहीं गृह स्वामी जमकर पिटाई की। मुरादाबाद में 2 दोस्तों के साथ गंगा नहाने गया 17 वर्षीय एक युवक नहाते वक्त गंगा में डूबा। युवक की तलाश में स्थानीय गोताखोरों ने काफी देर तक गंगा में गोते लगाए, लेकिन युवक का नहीं पता चला। मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिका दीप्ति ग्रेवाल को लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने योग के फील्ड में बेहतरीन कार्य करने के लिए किया सम्मानित। शिक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। अमरोहा के गजरोला जिले में बरेली की रहने वाली 14 साल की छात्रा को आरोपी युवक ने बंधक बनाकर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। युवक ने 17 दिन तक नाबालिग को बंधक बनाकर की दरिंदगी। पीड़ित परिजनों ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। जनपद अमरोहा की तहसील के रहरा थाना क्षेत्र के ग्राम लेसाड़ा में अवैध शराब के अड्डे पर आबकारी विभाग ने छापेमारी कर अंग्रेजी शराब के पौवे और बियर की केन के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। अमरोहा में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को झमाझम बारिश से मिली राहत। बच्चों ने
बारिश में की जमकर मौज मस्ती। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,